बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ काली दाल चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काली दाल, जिसे साबुत मसूर की दाल भी कहा जाता है, खड़े मसूर की दाल भी कहा जाता है, चावल में बना रही हूँ। साथ इसमें जीरे के और खड़े मसाले वाले चावल हैं। कचूमर सैलेड की रेसिपी है और इमली के धनिया पुदीने वाली चटनी भी बना रही हूँ, जो कि इन दाल चावल के साथ बेहद अच्छी लगती है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से दाल चावल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो साबुत मसूर की दाल है, जिसे मैंने 3 घंटे से भिगोकर रखा हुआ है। आपके पास टाइम कम है, आप इसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। दाल को काफ़ी अच्छा धोने के बाद साफ़ पानी के साथ मैंने भिगो दिया था। अब ये वाला पानी मैं इसका ड्रेन कर लूँगी, उसके बाद दूसरे पानी के साथ इसको पकने के लिए रखूँगी। यहाँ पर एक पैन में मैं दाल शामिल कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें दूसरा पानी भी शामिल कर दूंगी। पानी इतना शामिल करना है कि दाल इसमें काफ़ी अच्छी डीप हो जाए, क्योंकि मैं इसको कुकर के बगैर बना रही हूँ तो ये 2 घंटे में पक जाती है। आप कुकर में गला रहे हैं तो आप इसमें कम पानी भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें प्याज शामिल कर दी है, 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस करके शामिल की है, और साथ ही इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 3 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे में दाल काफ़ी अच्छी पक जाती है। जब तक ये दाल पकती है, हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं इमली की। तो इमली मैंने तकरीबन 1 कप से ज़्यादा भिगो कर रखी हुई है और 1 घंटे से मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ है। इसको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी और मज़ीद पानी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है इमली को। यहाँ मैंने इमली को मज़ीद पानी डालकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, छान लिया है, और इसमें से तकरीबन 1/2 कप के बराबर मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है। ये मैं आगे यूज़ करूँगी। तो अब हमने इस पानी का, इमली के पानी का हमें चटनी बनानी है। तो जिसके लिए मेरे पास नमक है 1 टीस्पून, थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं, 3 से 4 लहसुन के जवे हैं, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा हरा धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं ग्राइंडर जग में ऐड करूँगी। सबसे पहले इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। अगर आप कोई गाढ़ी चटनी बनानी है तो आप पानी कम भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम चीज़ें बारी बारी हम शामिल कर देंगे। धनिया और पुदीना मैंने पहले से धोकर नहीं रखा था, धनिया और पुदीना को हम धोकर शामिल करेंगे। धनिया और पुदीना धोकर शामिल कर रही हूँ। चटनी को काफ़ी अच्छा ग्राइंड कर लेंगे और एक बॉल में ऐड कर देंगे। चटनी मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर ली, आप देख सकते हैं। अगर आपको पतली लग रही है तो आप इसको थिक भी रख सकते हैं कम पानी डालकर। अब हम दाल की कंडीशन भी देख लेते हैं। दाल को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। दाल हल्की आंच पर पक रही थी, बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। जितनी ज़्यादा ये हल्की आँच पर पकती है, उतनी ज़्यादा ये अच्छी पक जाती है। तो अब हम दाल को घोट लेंगे। यहाँ इस वक्त दाल घुट चुकी है, अब इसे मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। इमली का पल्प जो हमने निकाल कर रख लिया था वो ऐड कर देंगे, और इसके अलावा हम इसमें खुश्क पुदीना ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। ये दोनों चीज़ें डालकर मिक्स करेंगे। इमली का पल्प आपने दाल के गल जाने के बाद ऐड करना है। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो दाल सही से गलती नहीं है। और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, और इसके अलावा इसमें हम प्याज और घी का भगार लगा देंगे। लहसुन का भगार पसंद है, आप लहसुन का भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको ढक कर रख देंगे दूसरी साइड पर। यहाँ पर हम चावलों की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। यहाँ एक पैन में तकरीबन 1/2 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे।
ऑयल ऐड करने के बाद तमाम साबुत गरम मसाले और ज़ीरा शामिल कर देंगे। 3 अदद तेज पत्ते शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्ची है, थोड़ी सी लौंग है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और चंद सेकेंड्स के लिए इसको पकाएंगे। बस ज़ीरे के डार्क कलर होने से पहले ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। ज़ीरे को जलाना नहीं है, ये डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना चावलों का जायका ख़राब हो जाता है। 5 कप चावलों के हिसाब से मैं इसमें 8 कप पानी डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक शामिल करने के बाद ढककर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और जिस तक पानी में बॉयल आ जाएगा तो बासमती राइस शामिल कर देंगे। 5 कप चावल थे जिसको मैंने आधे घंटे से भिगोकर रखा हुआ था, ये डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसका पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ इस वक्त चावलों में थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, ये तमाम ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। दम वाली आंच पर पकते हुए चावलों को 10 मिनट गुजर चुके हैं, चूल्हा बंद कर देंगे, चावलों को मिक्स करेंगे और माशाल्लाह आप देख सकते हैं खिले खिले चावल हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू इनमें से आ रही थी। तो इनको डिश आउट करने से पहले हम कचूमर सैलेड बना लेते हैं। कचूमर बनाने के लिए प्याज की क्वान्टिटी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मगर इसके लिए हमें बिल्कुल बारीक प्याज कट करनी होती है क्योंकि हमने इसका कचूमर बनाना होता है। तो बारीक प्याज मैंने काट लिए, साथ में टमाटर ऐड कर देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनकी क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम हरा धनिया शामिल कर देंगे, हरी मिर्ची शामिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। लेमन जूस ऐड कर देंगे, 1 दरमियाने साइज़ का लेमन जूस है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छी तरह से इसका हम कचूमर बनाएंगे, यानी हमने इसको हाथों से मसलना होता है इसको, इसलिए इसको कचूमर कहते हैं क्योंकि इसको हम ज़ोर ज़ोर से हाथों से मसलते हैं। और अच्छी तरह से मसलने के बाद इसको हम फिर सर्व करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त कचूमर बनकर तैयार हो चुका है। तो बस अब हम चावलों को डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले और मज़ेदार से चावल बने हैं। पूरे घर में इन चावलों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू महक रही थी। ये चावल डालेंगे डिश में, उसके अलावा हम इमली की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे और इसके अलावा हम साथ ही कचूमर सैलेड रखेंगे और मज़ेदार से दाल के साथ इसको सर्व करेंगे। दाल की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, दाल थिक भी है और इसमें पानी भी अलग से नज़र नहीं आ रहा है और अच्छी तरह से घुटी हुई भी है। तो दाल बहुत मज़े की बनती है। इस तरह से मेरी रेसिपी से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है, कॉमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।